और चांदनी बहुत मम्मी का सेवा करती है, आपके लकड़ी ला रही है भींग भींग के चांदनी। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक नई ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी 7 बज रहे सुबह की और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों चांदनी रेडी हो गई है अपना स्कूल के लिए और अभी खा रही है एप्पल। हाँ चांदनी का बस आ गया जी, चले 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 फटाफट फट आई 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 आ जाओ बस आ गई। चलो बेटा दौड़ो 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 चलो। दोस्तों आ गई है चांदनी की बस आ गई है, आ जाओ गोदी आ जाओ। चलो 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 दौड़ेंगे कूदो कूदो दौड़ो दौड़ो। चांदनी दौड़ करके आ रही दोस्तों स्कूल जाएगी, आज का सेकेंड डे स्कूल है। देखो आ रहा तुम्हारा बस आ गया ना, चांदनी का बस आ कहाँ छुप रही हो रे। चांदनी आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलो निकलो तुम्हारा गाड़ी आ गया, निकलो चांदनी निकलो। ये रही दोस्तों बस चांदनी की। ठीक है जाओ ठीक ना। दोस्तों चांदनी चली गई स्कूल, अब चले हम लोग अब घर चलते हैं। दोस्तों चांदनी चली गई स्कूल और चांदनी जब स्कूल जाती है ना तो घर एकदम पूरा सन्नाटा सुना सुना रहता, पूरा सन्नाटा लगता है। जब चांदनी जाती है तो इधर उधर उछलते कूदते रहती है, मतलब शरारत करती है, तो काफी अच्छा लगता है। जब वो चल जाती है तो सुनना सुनना लगता है, हमें भी मन नहीं लगता है। नहीं। और चांदनी जाती तो हम लोग का भी मन बहल जाता है उसके साथ खेलने में। हाँ तभी हम लोग नहा धोवा करके फ्रेश हो गए दोस्तों उसको छोड़ करके। और अभी 8 बज रही है और हम लोग भी खाना पीना बनाए नहीं है क्योंकि उसका जल्दी जल्दी करना रहता है, सुबह जल्दी गाड़ी आ जाती है चांदनी का, तो वही वाला बच्चा है ना। कितना पीस रोटी है पता नहीं, देखते देखिए 1 2 3 4 चार पीस रोटियां बची है। चांदनी को एक पीस ले गई है, चांदनी आज एक पीस लेके गई है। कल एक पीस दो पीस कल दो पीस लेके गई थी ना, तो वो बचा के ले आई। हाँ। एक पीस वो खा नहीं पाई तो आज आपने लेके गई एक पीस। अच्छा लगाइए परोसी ना, खाना खा लेंगे और फिर चलेंगे मार्केट। और ये दोस्तों रोटी और भुंजिया, सब्जी की भुंजिया भुंजिया, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं दो दो पीस है। तो चलिए हम लोग पहले खा लेते हैं रोटी फिर हम लोग खाना बनाएंगे बाजार हम लोग चलेंगे मार्केट। दोस्तों हम लोग खा लिए खाना, रोटी बस दो दो पीस खाए, दो दो पीस रोटी बची हुई थी। और रियाची अभी तैयार होंगी और फिर लोग चलेंगे मार्केट। मार्केट तो जाना बगल में 4 किलोमीटर दूर होगा, तो स्कूटी लेके भी चलेंगे क्योंकि हमारे राशन खत्म हो गए हैं। चावल तो पूरी खत्म हो गई हमारी रात में ही। हाँ। और आटे लेके आना, राशन लेके कुछ कुछ लेके आ गए क्योंकि चांदनी के लिए भी आटा बहुत ही जरूरी है। अब वो स्कूल जाएगी तो वो उसके लिए टिफिन तो बनाना अनिवार्य है ना, सुबह में ही बनाना। जल्दी तैयार हो ना फिर चलेंगे क्योंकि बारिश का भी मौसम आज बना हुआ है। मौसम का कोई आजकल कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश धूप होते रहता है। कल भी इसे हमारे तरफ मौसम की हुई थी और आज भी वैसे ही मौसम कर दिया। जल्दी करिए थोड़ा सा ना, फिर आएंगे। पानी वो अगर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। और क्योंकि वो अब स्कूल जाने लगी तो सारा चीज थोड़ा सा स्टॉक होना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे। और कुछ कुछ सामान ले आएंगे। हाँ दोस्तों रियाजी तैयार हो ही रहे थे कि अचानक बारिश आने लगी। हाँ। उठना पड़ गया इनको, हो गया ना। हाँ, जल्दी से कपड़ा उठा लेते हैं। चलिए हल्का हल्का बारिश हो रही है, चलो फटाफट उठाइए ना, चांदनी का उठा देते ना। ठीक है, मैं अपना वाला उठा लेते। चलिए उठा लेते, आने उठाइए जी जल्दी, बारिश हो रही है। आजकल मौसम का कोई मतलब भरोसा नहीं है, अचानक बारिश आ जाती है। देखिए पहाड़ तरफ से बारिश आ रही है दोस्तों, वही पतला वाला बारिश है, झिमिर झिमिर वाला। रख दीजिए कहीं पे अभी, रख देते। हाँ रख दीजिए क्योंकि अभी गीला कपड़ा नहा करके आए ही है और बारिश आने लगी सुबह सुबह। अच्छा मौसम का आजकल कोई मतलब गारंटी नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है, धोबी है और बारिश हो रही है। लोग कहते हैं कि सियार का शादी होता है, गाँव तरफ ऐसे ही बोलते हैं। देखिए छूट गया,
ऐसे ही होता है। आया फिर छूटा, फिर जल्दी तैयार हो गया है ना। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो गए हैं, अब अभी हम लोग चलेंगे मार्केट और चांदनी के पापा अभी स्कूटी निकालेंगे और चलिए आप निकलिए, निकलते हैं। हाँ आ जाइए, निकल रहे हैं। हाँ इसी जगह छोड़ दे, घर को लगा लीजिए। हाँ, दोस्तों स्कूटी को लोग बाहर निकाल लिए और रिया जी घर को लगा रहे हैं और अभी लोग चलेंगे दोस्तों मार्केट, कुछ कुछ सामान खरीदने हम लोगों को, राशन पानी के। अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए चलिए बैठते हैं। रास्ता भी इतना खराब है ना हम लोगों का, घर का बहुत खराब है, यहाँ से गाड़ी को रोड तक निकालने में काफी मुश्किल आती है। बैठिए जी, बैठ जाए। देखिए कितना तेज फिर धूप आ गई, तुरंत बारिश और तुरंत धूप। चलिए कहाँ स्टार्ट हो रहा है? अच्छा नहीं, ईस्टर्न अब चलाइएगा। नहीं यहाँ नहीं सकेंगे। कहाँ है? चलिए यहाँ कीचड़ है ज्यादा, कुछ नहीं होगा, गिर जाएंगे तो पूरा लूट बुरा जाएंगे। हम मैदान में सेक के ग्राउंड में ना, उसमें अच्छा रहता है, और उसमें खाली जगह रहता है। पूरा कीचड़ हो गया, गाड़ी भी इधर उधर स्लिप करता स्कूटी, और हम उतर गए हैं। क्या हो गया, नहीं आ रहा? दोस्तों रोड तक आ गए, लेकिन आप लोग देखें कितनी मुश्किल होती है रोड तक आने में, बहुत काफ़ी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है रोड तक आने में, बहुत तेज धूप अभी है। दोस्तों लोग मार्केट पहुंच चुके हैं, इधर एक दुकान है तो यहीं से लोग राशन ले लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे घर। आइए देखते हैं क्या क्या राशन यहाँ मिलती है, क्योंकि हमारे इधर उतना सुविधा है नहीं, बस जैसे आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ पूरा खुला एरिया और बीच में है एक दुकान है, तो हम लोग ले लेते हैं राशन। दोस्तों ने सारा सामान ले लिए यहाँ से, राशन के सामान हटा दीजिए वहीं से। चलिए हम लोग अब घर चलते हैं। दोस्तों लोग राशन लेके घर जा ही रहे थे कि चांदनी की भी स्कूल बस आ गई, देखिए उधर से आ रही है स्कूल बस, ये देखिए दोस्तों आ गई चांदनी की स्कूल बस। चांदनी किधर है अभी आप सभी लोग दिखा रहे हैं, अभी कहाँ बैठी है चांदनी, वो देखिए चांदनी बैठी हुई है। आ जाओ क्या हो गया, बोलो बोलो, मिठाई खोज रही है चांदनी। अरे टाई भी पहनी लेकिन टाई बेल्ट बेल्ट, अच्छा टाई बेल्ट आज मिल गया चांदनी को, मिला है टाई मिल गया दोस्तों, आज खोल दे। तू कौन पहनाया टाई, तू कौन पहनाया? और गाड़ी इधर हम लोगों की खड़ी है दोस्तों, अभी चलते हैं। बैठे आ जाओ, बैठो आप, चलो हम लोग चलते, चलिए रास्ता खराब है, आप पैदल आइए हम लोग चलते हैं। गिर गया गाड़ी, गाड़ी तो दोस्तों पूरा एकदम गाड़ी गिर गया, इसको उठाइए जी, उठाएंगे, उठाए उठाए उठाए, रुकिए हम आ रहे हैं, गिर गया चावल भी है, रात वाले से चाने उतरो। दोस्तों हमारी गाड़ी यहाँ फंस गई, देखिए यहाँ से राउंड करते 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 कैसे जा रहा है, चाखा पूरा फिसल गया, उठ नहीं रहा क्योंकि लोड है ना, चावल का लोड है तो गाड़ी उठ नहीं रहा, तो चावल को पहले खाली करते हैं फिर स्कूटी को लेकर चलेंगे, क्यों रास्ता इतना ही खराब है ना जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा स्लिप करता है, चीटा चीटा माटी है ना इसीलिए स्लिप करता, उसको माथे में लेके चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहीं से बोरा को उतार के ले जाएंगे, चावल वाला बोरा, क्योंकि गाड़ी अभी तो नहीं जाएगा ना, जाएगा तो इसको खाली करना होगा, हाँ तो इसको खाली कर लीजिए। चांदनी आ जा बेटा, चलिए किधर से, इधर से चलेंगे ना, आ जाइए, चलिए चांदनी तुम इधर आ जाओ बेटा, चावल उठा ले दोस्तों, स्कूटी से जाएगी नहीं, नहीं ले लिए क्योंकि स्कूटी फंस गई है ना। हाँ तो चल, आप लेके जा रहे हैं बहुत भारी जी, लेकिन भारी तो होगा, 25 किलो होगा, हाँ 25 किलो पूरा, लेके आइए उसको चांदनी को, आ जाओ चांदनी।
क्योंकि पानी आने लगता ना तो भीग जाता हम लोग चावल। चलिए फट गया, अच्छा कोई बात नहीं, चावल के यहाँ पटक दिया, चावल फट गया। बोरी बोरी फट गया, हाँ तो धागा धागा खुला ना। तो चलिए आप लोग इसको इसको उठाइए। नहीं बेटा वो उठेगा, वो खराब नहीं है, वो ठीक चावल है, ये वाला ठीक है, ये वाला काम देगा। हाँ, ये वाला काम, वो सूप से पटक दीजिएगा तो सही हो जाएगा। दोस्तों लोग सारे सामान को ले आए और किचन में हम लोग रख दिए, और आइए आप सभी लोगों को दिखाते हैं क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। हाँ। और चांदनी भी आई पढ़ करके स्कूल से। क्या निकाल रही है चांदनी, क्या निकाल रही है बेटा, क्या रही स्कूल से कुछ मिला चांदनी को, दिखाओ क्या बोले हैं। फोटो साटने का, किसमें, इसमें दिखाओ। अच्छा इसमें, यहाँ है इसमें फोटो साटने का जगह दिया हुआ। और ये क्या है, अच्छा ये सब्जेक्ट, ये टाइम टेबल, ये सब, ये रूटीन है, ये चांदनी का रूटीन है ना। और क्या क्या टिफिन दिखाओ, खाई कि नहीं, नहीं खाई है, नहीं खाई, अरे दिखा ले, दिखाते हैं कि क्या बचा के लाई है, क्या बचा के लाई हो चांदनी। हम लोग देते चांदनी को खाने के लिए, ये बचा के लाई है। एप्पल दिए थे वो भी बचा के ले आई है। और क्या क्या बचाई है, और कुछ भी नहीं, रोटी नहीं। वो खा गई। कल से चांदनी को एक ही पीस रोटी देंगे। ऐसे भी हम लोग अभी खाना बनाए नहीं दोस्तों, तो चांदनी ही वाला खाएगी। हम लोग मार्केट गए, मार्केट से आए तो काफी समय लग गए, तो अभी हम लोग खाना बनाएंगे, तो अब हम लोग खाना बनाएंगे, सब हम लोग ले आए राशन ओप्शन। चलिए दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लेकर के आए। ये अचार है, दो अचार है, इसे पैकेट वाला, ये चांदनी के लिए मीठा टाइप का, थोड़ा तीखा नहीं है। उसमें चीनी है, ये सूजी है, ये सूजी नहीं, सेवई, सेवई नहीं, ये वाला सूजी, अच्छा सेवई सूजी दोनों है। चांदनी के लिए सारा चीज बना देंगे टिफिन में। ये तोड़ने वाला है और ये वाला बिना तोड़ने वाला। हाँ तेल है, साबुन है, इतने सामान है दोस्तों। हाँ। ये चावल है एक पैकेट, जो तो चावल हम लोग के खत्म होने वाले थे। हाँ चलिए हम लोग खाना बनाते, हम भर देते है ना, अब आग जलाइए। हाँ ठीक, नहीं तो सारे सामान को रख देते है भर करके, साइड में रखते हैं। ठीक है, हम आग जलाते फिर खाना बनाते हैं। हम लोग अभी तक खाना बनाए नहीं, ऐसा खाना बनाएंगे ना जी। हाँ। कि जो आसान हो और जल्दी बने, भूख भी काफी लगी है। अच्छा ठीक है, तो आज बनाइए ना, माल भात बनाइए, चोखा बनाइए, है ना, बहुत फेवरेट है बेटा, क्योंकि ऐसे भी इंडिया का पूरा ट्रेडिशनल खाना है माल भात और चोखा, कम समय में स्वादिष्ट खाना। हाँ 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 वही बनाएंगे, हाँ वही बनाएंगे, आज माल भात और चोखा बनाएंगे दोस्तों, जो इंडिया का ट्रेडिशनल खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। हाँ ऐसे भी समय अभी नहीं है, तो आज हम लोग वही बनाएंगे, माल भात और चोखा बनाएंगे और जल्दी बनेगा। हाँ अभी प्यार से मिल करके रिया जी के साथ बनाते हैं मिल करके। हाँ। है न, चांदनी भी आ गई, चांदनी भी खाइए अभी, अच्छा लगता बेटा, बहुत अच्छा लगता है, खाओ बेटा खाओ खाओ। हाँ ठीक है ठीक है, सुन रहे हैं। हाँ अभी बारिश भी आएगा, थोड़ा सा लकड़ी ला दीजिए ना। अरे चांदनी मम्मी लकड़ी लाने के लिए बोल रहे बेटा, ताकि बारिश आएगा ना तो भीग जाएगा लकड़ी, ले आए। हाँ। अच्छा ले आते हैं, अब आग जलाइए, हम तुरंत लेके आते हैं लकड़ी। हाँ, लेकिन अंधेरा बहुत किया हुआ है जी, बारिश आने का चांसेस है, आ सकता है बारिश। और दोस्तों यही लकड़ी है, हम लोग लकड़ी इधर ही ला करके रखते हैं, सूखने के लिए देते हैं। चांदनी तुम कहाँ आ रहे हो बेटा, देखो पानी पड़ रहा, मेरे शर्ट में भींग रहे हैं। तुम कहाँ आई, तुम भी लेके चलोगी, तुम नहीं सकेगी बेटा, पानी आ गए। मम्मी बोली है। मम्मी कहाँ बोलेगी, हमको पता, तुम अपने लिए लेके जा रही है, मम्मी नहीं बोली होगी। चलो हम ले जा रहे हैं, ये सूखा हुआ है, ये तुम नहीं सकेगी बेटा, पानी आ गया, चलो 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 चलो, लकड़ी ला दो। चांदनी चांदनी ये भी ना अवदान है बाबू, देखिए चांदनी को लेकर के आ रही है, लकड़ी लेकर के आ रही है, अपने लेके आ रही है। क्यों बेटा तुम लकड़ी लेके कहा आई बताओ, हम तो लेके आए ना। और चांदनी बहुत मम्मी का सेवा करती है, हेल्प करती है कामों में, आपके लकड़ी ला रही है भींग भींग के चांदनी। और हमारे आग भी काफी तेज जल रहे हैं अभी, तो सुनिए जो काम करिए ना, पहले वो चढ़ा दीजिए पहले कढ़ाई, वो देखी करा दीजिए, रिया जी दौड़ के जा रहे, जाइए जाइए जाइए, एक बार में हो जाएगा, हमको भी आना पड़ेगा।
हो जाएंगे ना। चांदनी क्या खिला रही है बेटा? खाना है हमको दे रही हो हमको? ठीक है। चांदनी क्या कर रही हो? जल्दी आ जा। उसको चढ़ा दीजिए, डेस्क भी चढ़ा दीजिए। पहले चावल का पानी चढ़ा लेते हैं। छन के करा दे। कौन है? जल्दी बन जाए। चांदनी, अरे गिराएगी बेटा। नहीं बेटा। ठीक है बेटा। फुल यूनिफॉर्म अब चांदनी के मिल गए हैं। खोलो स्कूल ड्रेस, खोलो यूनिफॉर्म, खोलो कपड़े। दूसरा अभी बदल देंगे चांदनी को, घर का कपड़ा पहनेगी। दोस्तों हमारी औधंदी हो गई है, पानी हमारे खोल गए और रियाजी इधर चावल निकाल रहे हैं बोरा से, जो भी उन्होंने लेकर के आए मार्केट से। लेकिन चावल पटकना भी वो कला है। इस साइज की देख लीजिए, ये साइज की। हाँ ठीक, ठीक है ना, ये सब निकाल। इतना में हो जाएंगे ना? हाँ हो जाएंगे, इससे तो चोखा अच्छा लगता है खाने में। चलिए, उधर भी हमारा पूरा खोल गया दोस्तों, रियाजी चावल को डाल रहे हैं पकने के लिए। इधर हम आलू को निकाल के रख दिए हैं। उसको भी धोना है। हाँ, इसको भी उसी में डाल दीजिए ना, डेचकी में। हाँ, दोनों साथ में पकेंगे। चलिए डाल देते। हाँ इसको डाल दीजिए, एक ही साथ पक जाएंगे। हाँ दोनों एक ही साथ पक जाएंगे, चावल भी और आलू। उसको फिर चोखा बना के जल्दी से खा लेंगे। चलिए इसको चला देते ना। हाँ, उसको चला दे। सटेंगे नहीं। आग को ठेल दीजिए। तो हम लोग को पकने दे रहे हैं दोस्तों चावल को, तब तक हम लोग चोखा का तैयारी करते हैं। प्याज वाज काट लेते हैं। प्याज मिर्चा, प्याज मिर्चा सब काट लेते हैं। क्या हुआ दोस्तों? लोग अच्छी तरह से काट लिए प्याज को। अच्छा। और ये रहा प्याज, और रियाजी काटे बहुत ही बारीकी से काटे हैं, छोटे छोटे। चोखा में भी डालेंगे ना? तो कैसे बनाएगा चोखा? भूंज करके कैसे ही? भूंज करके ऐसे ही, जैसे बोलिए ऐसे हमको ठीक लगता है, भुंजा हुआ ठीक नहीं लगता। हाँ तो वो अच्छा लगता है। हाँ देखिए चावल पक गए होंगे, जैसे गिल्ला हो जाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो चावल देख लेते। आज हम लोग इंडियन फूड बनाने वाले हैं दोस्तों, जो ट्रेडिशनल फूड है, कि कम समय में कम बजट में बनने वाला खाना। क्योंकि हम लोगों के भी पास समय नहीं थी, इसी वजह से हम लोग ये खाना बना रहे हैं, मार भारत चोखा। क्योंकि ये इंडिया का बहुत ही फेवरेट है, हर भारतीय हर जहाँ ये आसान होता है बनाना। उतार लेते हैं। हाँ हाँ उतारिए उतारिए, गिल्ला हो जाएंगे। तो चावल उतार दिए दोस्तों रियाजी। आलू को निकालिए, आलू निकालिए। हाँ, आलू पक गए, आलू भी पक गए हैं। हाँ सीज गया है। तो हम लोग आलू को निकाल लेते हैं, पहले छिलका उतार लेते हैं, फिर चोखा बना लेते हैं। हाँ। है ना दोस्तों, हमारे आलू भी ठंडे हो गए, तो चलिए इसको हम लोग छील लेते हैं। हाँ, छिलका को उतार। रियाजी छील रहे हैं, तो चलिए हम मिलकर के छीलते हैं। चलिए कौन फर्स्ट लेगा आलू छीलने में? दोस्तों सब आलू को छील लिए और आलू को हम लोग तोड़ रहे हैं चोखा बनाने के लिए। और नॉर्मल वाला आलू चोखा बनाएंगे, वो सादा वाला। हाँ, जैसे मिर्चा और नमक, मिर्चा नमक ये सब डाल करके, प्याज और तेल। ये चोखा हम लोग के बन ही गए हैं, बस से मिर्ची और तेल डालना है और बस तैयार हो गया। और दोस्तों चांदनी डांस करने लगी चोखा देख करके। चांदनी को ये बहुत अच्छा लगता है चोखा खाना। और हमारे अब रेडी होने वाले हैं चोखा। ये मिर्चा भी दे दिए काट करके, और नमक और प्याज डालना है और सानना है, बस तैयार हो जाएंगे। हाँ चलिए, नमक भी डाल दिए और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए जी। बस हमारे चोखा बन जाएंगे दोस्तों। हमारी चटनी अच्छी तरह से बन गई है, और ये रहा दोस्तों हमारी चटनी, चोखा चोखा चटनी के साथ चोखा। और कितना अच्छा लग रहा दोस्तों हम लोगों की चोखा। तो इसको यहाँ रख देते हैं ये वाला थाली में, और हम लोग चावल लगा लेते हैं तीनों थाली में, गर्मा गर्म मार भात और आलू का चोखा। अच्छा लगे खाने में। हाँ ये तो भारतीय खाना है दोस्तों। ये इसमें निकालो, इसमें निकालो चोखा। और हमारा मार भात निकल गए दोस्तों, और ये रहा आलू का चोखा। दोस्तों लोग चावल निकाल लिए तीनों थाली में, और रियाजी नमक डाल रहे हैं। इसमें नमक डाल लेते हैं। हाँ मार भात नमक चोखा। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, और टेस्ट करके बताते हैं
ऐसे इसमें टेस्ट करने की तो बात ही क्या, ये तो फेवरेट खाना है, है ना। इससे सरल खाना हो ही नहीं सकता, मतलब सादा खाना और स्वादिष्ट खाना सबसे यही है, मारो हाथ और आलू की चोखा। चलिए हम लोग अब खाते हैं दोस्तों। और दोस्तों चांदी तो फर्स्ट ले ली, पहले ही खाने लगी क्योंकि वो रह नहीं पाई, है ना। अच्छा लगता है खाना, ये हम लोग भी अब खा लेते हैं। कैसा लगा, कैसा लगा बेटा? चांदी वो खा ली, वो चली गई बाहर तरफ। चलो हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, मर भात और चोखा, आलू की चोखा। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा पेट भर गया जी मार भात चोखा खा के आज। सच इतना खाए ना, इतना हमको ना वो भात नहीं खा पाते हैं, कोई सब्जी के साथ नहीं खा पाते, लेकिन मार भात आज बहुत खाए, आज पूरा खत्म कर दिया खा करके, पानी भी सब खत्म हो गई आपके भी। दोस्तों लोग अच्छी तरह से खा लिए मार भात और चोखा, और बाहर का भी व्यू भी काफी अच्छा, अभी बारिश हो रही थी, काफी अच्छा लगा आज, है ना। खा लिए एकदम, पूरा पेट भर खाना खाए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है मार भात और चोखा, आप लोग भी कभी खा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।